कैसे रिजल्ट आने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं आ पाए। ठीक है, एक मतलब क्लियर जिसे कहते हैं बहुमत नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, गठबंधन से बन फिर भी रही है, हमारी बीजेपी सरकार बन रही है। बहुत उम्मीद थी कि पूरी तरीके से मोदी जी काम जीतेंगे, लेकिन विपक्ष वो एक लोगों पे 10 लोग भारी पड़ गए। अपोजिशन की पार्टी सारी मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ाऊंगा, स्पेशली अगर लड़ती है तो इन सब पब्लिक के लिए मोदी जी ने काम किया, लेकिन पब्लिक को उनके साथ सरकारी को भी। दिल्ली से तो हम लोग खुश हैं दिल्ली से, लेकिन यूपी से बहुत दुखी हूं। अयोध्या पर जो बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में पब्लिक जो है बड़ा गलत काम किया, उनको होना चाहिए था यहाँ राम मंदिर बना, यहाँ भगवान खिलाए मोदी जी। जब पब्लिक मोदी जी की नहीं हुई तो किसकी होगी? अगर मोदी है तो मुमकिन है, और ये है कि भाई छोटी मोटी चीजें, भाई खाना पीना, रोजगार, लोगों की महंगाई हो रही, ये भी मुद्दे हैं। अब की बार जो उनसे जो 2024 में जो जीत हुई है बीजेपी की गठबंधन के साथ, अब की बार इसके ऊपर ध्यान देंगे ये लोग? नहीं भी देंगे तो मैं इनको, मेरा संदेश यही है कि ये लोग बीजेपी वाले अब समझ लें कि भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा।